गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और हाइड्रोजन एटम स्टडी की है। अब हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कि गुणांकों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल। देखिए यहाँ जैसे बेरिलियम एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, और जब बेरिलियम का 1s2 2s1 2p1x में 2s कक्षक 2p कक्षक से लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल विधि द्वारा मिश्रित होते हैं तो नए संकरित कक्षक sp बनते हैं। गणितीय रूप से ये दोनों रेखीय व एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। इन दो संकरित कक्षकों के लिए तरंग फलन निम्न प्रकार लिख सकते हैं। फर्स्ट ψ1 a1 ψs प्लस b1 ψp। दो नए संकरित कक्षक बनेंगे तो उनकी दो ही तरंग फलन होंगी। तो पहले वाले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कक्षक के योगदान को a1 ψs प्लस p कक्षक के योगदान को b1 ψp। ऐसे दूसरे वाले की इक्वेशन ψ2 है। ψ1 व ψ2 दो sp संकरित कक्षकों के तरंग फलन है। a1 a2 b1 b2 क्रम से मिश्रित गुणांक है। अब देखिए अपने को क्या करना है। फर्स्ट स्टेप में s कक्षक का आवेश घनत्व दो संकरित कक्षकों में बराबर विभाजित होता है। s कक्षक का स्फेरिकल होता है और जब दो ही कक्षक बन रहे हैं sp तो s कक्षक का जो आवेश घनत्व तो दो कक्षकों में बराबर बटेगा। अतः हम लिख सकते हैं कि a1 का स्क्वायर इजकल टू a2 का स्क्वायर इजकल टू 1/2। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो अपन इक्वेशन को कैसे लिखते हैं कि साइन स्क्वायर इजकल टू इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा के लिखते हैं अपन, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा के साइन स्क्वायर इजकल टू लिखते हैं, फिर a1 का स्क्वायर करते हैं तो इस प्रकार से ये जो आवेश घनत्व है a1 स्क्वायर इजकल टू a2 स्क्वायर इजकल टू 1/2 में बढ़ जाता है। a1 इजकल टू a2 इजकल टू 1/√2 हो गया, क्योंकि ψ1 नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है अतः इसको इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं ψ1 स्क्वायर dλ इजकल टू a1 स्क्वायर ψs स्क्वायर dλ प्लस b1 स्क्वायर ψp स्क्वायर dλ प्लस 2a1 b1 रूट ψ1 s ψp dλ इजकल टू 1। चूंकि परमाणु कक्षक लाम्बिक हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, अतः हम उपरोक्त व्यंजक को निम्न प्रकार लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इजकल टू 1। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो इसका तीसरा बिंदु है 2a1 b1, तो ये क्या है s साइन s और साइन p, तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का फॉलो नहीं करता, ये ऑर्थोगोनल है, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो गया। बाकी ψ1 स्क्वायर dλ इजकल टू 1 है और ψ
वन स्क्वायर इंटीग्रेशन साई एस स्क्वायर डी लैम्बडा, ये वन है, प्लस बी वन स्क्वायर इंटीग्रेशन साई पी स्क्वायर डी लैम्बडा, ये भी वन है। तो ये ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, वन। तो ए वन स्क्वायर इजकल टू अपने को पहले ही पता है एक बटा दो है, तो ये वैल्यू इसी इक्वेशन में रखते हैं तो बी वन स्क्वायर इजकल टू एक बटा दो, ये आ गया। वह बी वन इजकल टू रूट एक बटा दो, अब साई वन साई टू ऑर्थोगोनल है, अतः ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इजकल टू जीरो। जब देखिए इक्वेशन अपनी प्रारंभ की, ये साई वन और ये साई टू है, ये तो दो इक्वेशन होती हैं तो एक दूसरे के क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल होती है, तो इसलिए इनका वैल्यू क्या है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इजकल टू जीरो। इनमें ए वन ए टू बी वन का मान रखने पर एक बटा अंडर रूट दो, एक बटा अंडर रूट दो प्लस एक बटा अंडर रूट दो ब्रैकेट बी टू इजकल टू जीरो, बी टू इजकल टू माइनस एक बटा अंडर रूट दो वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करते हैं तो दो फलन साई वन व साई टू इस प्रकार होंगे। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है अपने पास में ए वन ए टू बी वन बी टू, इनका मान अपने को साई वन और साई टू वाली इक्वेशन में रख देना है, ये रख दिया अपन ने। तो इस प्रकार से ये वैल्यू अपने सामने निकल के आ गई है साई वन और साई टू की। अब देखिए एसपी संकृत कक्षक किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, 2s प्लस 2px और ये दो ऑर्बिटल बनाते हैं और लीनियर रूप से जुड़े रहते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, ओके।